हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो फेमस राइडर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ नया। पीछे आप ऑफ रोड देख सकते हो, तो यहाँ पर आज हम थोड़ी सी ड्रिफ्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे आपकी हेल्प हो जाती है काफ़ी ज़्यादा अगर आप एकदम से टर्न लेना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे तो मेरा पहला ड्रिफ्ट इतना अच्छा नहीं लग पाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें रोड कंडीशंस को समझना होता है कि रोड किस तरह का है और किस लेवल तक हम यहाँ पर कोई भी स्टंट परफॉर्म कर सकते हैं। कि फ्रेंड्स, ये चीज़ें देखने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ इसमें करना पड़ता है। अब हम जो ड्रिफ्ट मारेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पहले वाले से, क्योंकि अब मैं रोड कंडीशंस को समझ चुका था और मुझे पता लग चुका था कि मैं किस लेवल तक यहाँ पर अपनी बाइक के साथ ये स्टंट परफॉर्म कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है नोटिस करना कि रोड कैसा है और हमारी बाइक किस तरह की है और हम कितना किस लेवल तक यहाँ पर इस स्टंट को कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चीज़ें जितनी आसान देखने में लगती है उतनी होती नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर रोड जो फर्स्ट में था ये काफ़ी ख़राब था, यहाँ पर ड्रिफ्ट अच्छे से नहीं लग पा रहा था, लेकिन आगे जाके रोड काफ़ी प्लेन था, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से ड्रिफ्ट लग पा रहा था। तो अब हम आपको फिर से यहाँ पर ड्रिफ्टिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफ रोडिंग तो हर कोई करता है, लेकिन धूल उड़ाते हुए ऑफ रोडिंग करने में अपना ही एक मज़ा होता है। और इसी के साथ ड्रिफ्ट का यूज़ आप कर सकते हो जब आपको एकदम से टर्न लेना हो कहीं पे भी, तो उस कंडीशन में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, ये आपका काफ़ी टाइम बचा सकता है ड्रिफ्ट। तो फ्रेंड्स, जितनी अच्छी ये ट्रिक्स देखने में लगती है, जितनी कूल लगती है, उतनी ही हेल्पफुल होती है आपकी राइड में। अगर आपको कहीं पे भी राइड करनी है और किसी भी कंडीशन में करनी है तो ऐसी ट्रिक्स आपको आनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, आप मुझे कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई भी राइडिंग गियर नहीं पहना है और राइडिंग गियर सबसे ज़रूरी होते हैं, और मैं ये चीज़ें काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे पता है कि मैं किस लेवल तक अपनी साइकिल को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैं बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में कर रहा हूँ, कंट्रोल से बाहर जाकर ये चीज़ें कभी भी करने की कोशिश ना करें। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।